हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर एटी वन ऑफ अरुण शर्मा बुक एवरेज चैप्टर द एवरेज एज ऑफ टेन मेन इज इंक्रीज्ड बाय थ्री इयर्स व्हेन वन ऑफ देम थेम हु फिफ्टी फोर ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ वेमेन व्हाट इज़ द एज ऑफ द वेमेन ठीक है तो जब दस मेन था ठीक है टोटल तो उसका एवरेज था कुछ एवरेज था ठीक है तो उसमें से एक फिफ्टी फोर ईयर्स का मेन जो था वहाँ से निकला और उसी समय एक वेमेन आ गई थी वहाँ पर ठीक है तो जो एवरेज हुआ रिप्लेसमेंट के बाद तो थ्री से एवरेज इंक्रीज़ हुआ ठीक है तो वेमेन का एज क्या होगा ठीक है आसान है एक मिनट क्वेश्चन नंबर एटी वन ओके तो मतलब जो टेन मेंस था उसका कुछ एवरेज रहा होगा पहले ठीक है तो टेन मेंस था उसका एवरेज मान लो एक से ठीक है तो आप जो टेन मेंस है मतलब उसमें से एक मेन चला गया तो कितना बचा नाइन मेन प्लस वन वेमेन उसका जो एज हो जाएगा एवरेज वो बढ़ गया थ्री से पूरा मिला के ठीक है जब टेन मेन था तो एवरेज था एक्स ठीक है एक्स ईयर्स जब नाइन मेन प्लस वन वेमेन हो गई तो एक्स प्लस थ्री हो गया ठीक है मतलब कि ये पूरे मिला के मतलब एक जब पर्सन था एक पर्सन का थ्री बढ़ा वही एवरेज है ना ये पूरे मिला के वन पर्सन का थ्री बढ़ा तो टेन पर्सन का थर्टी इयर्स टोटल हो जाएगा सम उतना इंक्रीज़ हुआ और मेन जो था उसका एज था फिफ्टी फोर ईयर्स ठीक है मतलब फिफ्टी फोर ईयर्स वाला गया और जो वेमेन थी वो आई तो थर्टी ईयर्स बढ़ गया टोटल ऑल टोटल ओवरऑल में ठीक है तो मतलब जो वेमेन का एज होगा वो फिफ्टी फोर प्लस थर्टी होगा तभी ना थर्टी टोटल एवरेज बढ़ेगा ये टोटल एवरेज तो थर्टी बढ़ गया था फिफ्टी फोर प्लस थर्टी इज इक्वल्स टू एटी फोर ईयर्स तो वेमेन्स का एज जब एटी फोर ईयर होगा तब जाके एवरेज जो है थ्री से इंक्रीज होगा मतलब ओवरऑल थर्टी ईयर्स क्योंकि पीपल कितने हैं नाइन प्लस टेन ठीक है टेन पीपल का थर्टी ईयर्स इंक्रीज हुआ ओवरऑल इसीलिए वेमेन का एज एटी फोर ईयर्स आई होप यू लाइक दिस सोल्यूशन प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है उसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ठीक है थैंक यू सो मच